खबर टोंक के देवली से है, जहां ओसवाल परिवार की ओर से लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए 1 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उक्त परिवार की ओर से लगातार लोगों को राशन सामग्री, भोजन पैकेट, सैनिटाइजर और मास्क का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। ओसवाल परिवार के इस कार्य की देवली विधायक हरीश चंद्र मीणा ने भी प्रशंसा की है। लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई बाबा साहब सामने आ रहे हैं, वहीं देवली का ओसवाल परिवार गरीब लोगों के लिए मसीहा बनकर उभर रहा है। ओसवाल परिवार की ओर से जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने की घोषणा की गई है। इसके तहत ओसवाल परिवार द्वारा लगातार जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री, भोजन के पैकेट, सैनिटाइजर, मास्क आदि का वितरण किया जा रहा है। यही नहीं, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को चाय व फलाहार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा शहर के ओसवाल परिवार की ओर से एक नई मुहिम चलाई गई है, जिसमें शहर के प्रमुख चौराहों पर पेंटिंग करके कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर स्लोगन लिखवाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह शहर का पेट्रोल पंप चौराहा है, जहाँ कोरोना से बचाव करने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्लोगन लिखाए गए हैं। इन स्लोगनों में कोरोना से बचाव ही उपचार है। आज हमारे साथ है ओसवाल परिवार के सदस्य राकेश सुषमा, जिनसे हम जानते हैं कि किस तरह से राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। राकेश जी, आपके द्वारा किस तरह के राहत कार्य चलवाए जा रहे हैं? जी, इसमें बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी के और सहयोग से और हम चारों भाइयों के सहयोग से 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसके अंदर कोरोना से बचाव के उपाय के लिए जैसे ये जन जागरण अभियान के तहत रंगोली जैसे है, भोजन पैकेट वितरण है, खाद्य सामग्री वितरण है, मास्क सैनिटाइज वितरण है। इसमें विशेष उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी से दिया जा रहा है जो कोरोना से लड़ रहे हैं, डेली जिनका सामना होता है, जैसे पुलिस प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन है, या प्रशासनिक कर्मचारी हैं, या समाज सेवक जो हैं, उनको हम प्रायोरिटी से सहयोग कर रहे हैं कि वो अपने लोगों को बचाने के साथ साथ खुद के स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रख सके, और जन जागरण अभियान चला के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना से बचाव ही उपचार है, इस टाइप का मैसेज दिया जा सके। ये थे राकेश सुषमा, जिन्होंने हमें बताया कि उनके द्वारा शहर में किस तरीके से राहत कार्य चलवाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवपाल के साथ एवन टीवी के लिए मनीष बागड़ी, देवली टोंक। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण आमजन को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन